विपक्ष ने दोस्तों कुछ पत्रकारों का और न्यूज मीडिया का बहिष्कार कर दिया है। पहले बताई जा रही है कि ये लिस्ट 34 की थी, बाद में कुछ लोगों ने ऐसा किया कि नहीं नहीं हम आपके खिलाफ नहीं लिखेंगे, लेकिन हम तो बजाते रहेंगे जो गलत करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम, मेरे साथ है वह प्रताप जी। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था केजरीवाल से सांठगांठ करते हुए, क्रांतिकारी, बहुत अद्भुत क्रांतिकारी, आपको वीडियो दिखाएंगे, ऐसे आपने देखे नहीं होंगे इनके अंदर की स्टिंग, कैसे कैसे ये सांठगांठ करते हैं, है ना। उनको ये मानते हैं बहुत अच्छा पत्रकार, है ना, जहां पे हिंदू धर्म के बंदे ने कुछ कर दिया तो वो उसका धार्मिक वो है भी नहीं, अपराधी है, उसका धर्म बीच में ले आते हैं। और वहीं अगर कोई कट्टर धार्मिक निकलने के बाद कहीं से, है ना, वो बम भी फोड़ दे तो कहते हैं इसमें धर्म क्या क्या लेना देना है, वो तो आतंकवाद है, आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता। उन पत्रकारों के लिए विपक्ष ने इस तरीके की स्थिति बना दी है। मतलब अगर सोचो ये सत्ता में होते तो क्या करते, लोगों को उठा के जेल में डाल देते। क्या है ये, क्या है, दादी थी इंदिरा गांधी जी, इमरजेंसी 1975 में उन्होंने देश पे इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी लगाने के बाद पहला प्रहार उन्होंने मीडिया पे किया, ताले मार दिए, जो ये बोल रहे हैं ना प्रेस, चरण चुंबक वगैरह वगैरह, सुप्रिया श्रीनिधि जी का जो वीडियो था, दलाल पत्रकार, पत्रकारों को गालियां देना, और फिर उसके बाद ही प्रेस की स्वतंत्रता। इंदिरा जी ने क्या किया था, ताला मार दिया, पीएमओ का एक अधिकारी सारे मीडिया हाउस में बैठा दिया, खबर लिखने से पहले अधिकारी से चेक कराओ, अगर अधिकारी बोल देगा ओके तभी खबर पब्लिक होगी। जिन अखबार वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिन मीडिया हाउस ने ऐसा करने से मना कर दिया, उनकी दुकानों पर ताला मार दिया। किसने, दादी इंदिरा गांधी जी ने, दादी ने तो मीडिया पे ताला मारा था सत्ता में रहते हुए। पोता विपक्ष में रहते हुए कह रहा है, कहता है अभी तो विपक्ष में हूँ तो मेरे हाथ में केवल बहिष्कार करना है, एक बार सत्ता में आने तो दो, दादी को भी पीछे छोड़ूंगा। अच्छा, मीडिया अगर इनको दिखाएगा नहीं, इनको पब्लिसिटी देगा नहीं, तो ये चुनाव कैसे जीतेंगे। देखिए क्या है ना, एक खीज होती है जब व्यक्ति, लेकिन लगभग इन्होंने सारे चैनल का कोई ना कोई बहिष्कार कर दिया जो कि टॉप में बैठे चैनल हो। जब व्यक्ति लगातार हारता जाता है, परेशान होता जाता है, तो जो सच में एक असाधारण पुरुष होते हैं, जिनके बारे में बोला जाता है कि कभी भी हम हार नहीं मानेंगे टाइप के, तो वो संघर्ष करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। विपक्ष ने सिर्फ एक चीज सीखी, जो इनका सबसे बड़ा हथियार है, जो इनको विरासत में इनकी दादी से मिला है, क्योंकि मीडिया है, सोशल मीडिया को तो ये काबू में कर नहीं सकते, मीडिया को जरूर कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने सिर्फ ये ट्रेलर भी नहीं, इन्होंने एक टीजर दिखाया है और मीडिया को दिखाया, बहुत खतरनाक चीज करी है इन्होंने, बिल्कुल करने को। अगर ये सत्ता में होंगे तो क्या करेंगे भाई। देखिए ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम, मान लो ये 14 पत्रकारों की इन्होंने घोषणा कर दी, सुदर्शन न्यूज का तो पूरा चैनल इन्होंने बायकॉट कर रखा, अब ये नहीं आएंगे, इनको लग रहा है ऐसा करने से जनता में इनकी इमेज बनेगी। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, बात यही है कि जनता को ये चमचौकी सुन रहे हैं बेसिकली। आज भी जनता को मूर्ख समझा जा रहा है, तुमने 14 पत्रकार बायकॉट कर दिए, इससे क्या हो जाएगा, मत जाओ, ये पत्रकार बंद हो जाएंगे क्या, इनके तो सोच चलेंगे एक तरफ अंदाज में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आएगा, चीखेगा, अपनी बात रखेगा, कांग्रेस की सुनने वाला, जनता टीवी देखेगी, सोशल मीडिया देखेगी, जो इनके INDIM इनकी कौन वहां पे बात रखने वाला, जनता सोशल मीडिया देखेगी, जनता देखेगी टीवी को, है ना, वो तो होने वाला नहीं। बीच में आपने सुप्रिया का नाम लिया, सुप्रिया कह रही है ये बात दलाल पत्रकार, यही तो बात तो हुई है। देखिए सुप्रिया जी, सुप्रिया जी का थोड़ा इतिहास बताओ क्या था, सुप्रिया जी स्वयं एक पत्रकार थी अचानक, और उस समय इनके ट्वीट में आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं दिखाएंगे, 2012 में इन्होंने ट्वीट किया है मनमोहन सरकार की बैंड बजाते हुए, उसके बाद एक कॉल जाता है मैडम जी के पास, हेलो मैडम टिकट चाहिए क्या ये ठहरी सौदागर, जो एक ज्ञान दे रही थी ना, चरण चुंबक किसे कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर सच में कोई मीडिया में था तो वो सुप्रिया श्रीनेत जी हैं। इनके पास एक कॉल जाता है कि हम आपको कांग्रेस का टिकट देना चाहते हैं, मैडम जी इस्तीफा दे देती हैं, सीधे चैनल से इस्तीफा, दोस्तों इस्तीफा दिया, टिकट ली, चुनाव लड़ी, जनता ने वोट, ईवीएम में इनको हाथ का पंजा नजर ही नहीं आ रहा था जनता को, इन्होंने कहा है क्या यार हुई सुप्रिया श्रीनेत जी की, अब क्या करें, सबसे लास्ट 5000 वोट नहीं मिले थे इसको, अब ये भैया चैनल में तो जाने से रहे और क्या, एक्सपोज हो चुके हैं।
जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया, मुझे उससे शर्मस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना अपना काम करें। अब मैं आज आलोक को ला रहा हूं चर्चा में। मैं बहुत इंडिपेंडेंट जो मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। सुप्रिया जी को इंडिपेंडेंस दिख रही है जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से, तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पर मुझे नहीं जाना, इसलिए छोड़ देते हैं मसला। आप पत्रकारिता के बाद ये पॉलिटिक्स में आई, वहां पर बुरी तरीके से हारी, इनको कोई भाव नहीं दे रहा है, टीवी पे बैठ रही है, तो इन्होंने गाली देना शुरू किया। मत कीजिए प्लीज, आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। इससे औकात औकात क्या होता है भाई? तुम्हारी क्या औकात है? जमानत जब्त पत्रकार दलाली कर रही थी पत्रकार बन के, और आप गूगल करो, आप फेसबुक करो, ट्विटर जो एक्स हो चुका है उस पर कीवर्ड सर्च करो, गालीबाज मैडम वीडियो जाए जाएंगे, सुप्रिया श्रीनेत जी नजर आएंगे जी आपको। बिल्कुल, अपोजिशन का जो कांग्रेस का अपोजिशन है उसका कोई भी शायद नेता बचा होगा जिसको सुप्रिया जी ने गाली ना दी। और ये बात करते हैं चरण चुंबक पत्रकार की। हाँ। इसको चरण चुंबक बोलते हैं। अब बारह में आप जिसको गालियां दे रहे थे उसके बाद आप उसी के साथ गलवैया करके चुनाव लड़ते हो और फिर उसी के प्रवक्ता बन के बैठे हो। और अब दोस्तों आपको एक और बीट दिखाते हैं, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत उंजुम और ये जो अभिसार शर्मा है उनकी कैटेगरी का पत्रकार है ना, इन इन भाई साहब का ये वीडियो देखो पहले केजरीवाल के साथ। ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोले, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो हुई है ना सर देश भर में। और ये बोले भूल गया मैं, वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहते कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन ले रहा है, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे वही जो हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है फुलके साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। देखा आपने किस तरीके से सांठगांठ चल रही है लेनदेन की, कैसे डिसाइड कर लेंगे जो है दिल्ली की जनता को कैसे मना दी, अद्भुत ही क्रांतिकारी, अद्भुत कतई है। मतलब इन्होंने उसमें जो 14 पत्रकार लिखे उसमें मतलब अल्फाबेटिक अदिति त्यागी अमन चोपड़ा से लेके देखा जाए तो इन्होंने राष्ट्रवादियों को टारगेट किया सारे के सारे। एक्चुअल में वो पत्रकार भी, अब जैसे मान के चलो सुशांत सिन्हा है, सुशांत सिन्हा कौन सा डिबेट का शो ऑर्गेनाइज करते हैं? मान के चलो बाइकाट आपको करना है तो उसका बाइकाट करिए ना जो आपको डिबेट में बुलाता है। जो व्यक्ति डिबेट में बुलाता ही नहीं है वो अपनी टीवी पे बता रहा है, अपने वहां पे चैनल पे बता रहा है कि देखो ये कौन सी योजना कैसे क्या पहले क्या था अब क्या है, वो तो भाई पाठशाला चलाता है उसको भी बाइकाट कर रहे हैं, उसको बाइकाट करने से क्या भाई। देखिए कुछ पत्रकार डिबेट करते हैं कुछ डिबेट नहीं करते हैं, जैसे सुधीर चौधरी जी वो भी डिबेट नहीं, हाँ वो भी डिबेट नहीं करते लेकिन बायकॉट कर दिए। क्यों कर दिए? जो भी राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखते हुए जर्नलिज्म करेगा ये अपोजिशन उसका बायकॉट करेगा। कारण क्या है? 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक होती है, 2 या 3 को उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह इसका खात्मा कर देंगे, फिर ए राजा का, उसके बाद ए राजा HIV से तुलना कर देता है, प्रियांक खड़गे सनातन धर्म को बीमारी बता देते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे, हाँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बोल चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जीते तो सनातन धर्म जीतेगा, इसलिए मोदी को हराओ ताकि सनातन धर्म ना जीत पाए। लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD के नेता जगदानंद सिंह खुलेआम बोलते हैं कि तिलकधारियों ने देश को गुलाम करवाया था, जबकि चंद्रशेखर आजाद मदन मोहन मालवीय बाल गंगाधर तिलक लगा करके अंग्रेजों से लड़े और लड़ते बलिदान दिया। ठीक है, अब इसके अलावा यहीं तक नहीं रुकते हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं KC वेणुगोपाल, उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेता है कि वेणुगोपाल जी DMK के नेता तो सनातन धर्म के खत्म करने की बात कर रहे हैं, वेणुगोपाल साहब पता है क्या बोलते हैं? वेणुगोपाल जी कहते हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, अगर कोई मेरे सनातन धर्म को खत्म करने की बात बोल रहा है और आप बोल रहे हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी आधार पर आप अंदाजा लगा फिर तो। इसीलिए इन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार इनकी पार्टी का नेता है, क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देश के टुकड़े करने की साजिश रचने वाला, देश के अनगिनत जवानों को लाखों कश्मीरी हिंदुओं के जनसंहार का दोषी कौन? यासीन मलिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
पीएमओ में बुला करके सम्मान किया जाता है। पीएमओ से मुझे याद आया, मनमोहन जी ने तो कहा भी था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार विशेष समुदाय का है। देखो जो देश को तोड़ते हैं उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो देश को गाली देते हैं उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले अलगाववादी उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, याकूब मेनन जिसको इस देश की संसद ने फांसी दी, जिसको इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने जिसकी दया याचिका करके खारिज करके उसको फांसी दे दी, उसके लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाना और उसके बाद उसके जनाजे में लाखों की भीड़ इकट्ठा होना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछ देता है तो या तो उन पत्रकारों पर जो है पूरी तरीके से बैन कर दो और या तो उनका बहिष्कार कर दो। पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है इस INDIA गठबंधन के नेताओं के लिए, लेकिन आतंकियों की लिए इनके मन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली जिसमें केजरीवाल जी के सीएम भगवंत मान, एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया उनसे, भड़के हुए भाई चिढ़ गए, तू सवाल नहीं पूछेगा, तू सवाल ही मतलब ऐसे चीख के पड़ रहे हैं बताऊं मैं तुझे, चढ़ गए उस पे मारने के लिए चल दिए सीएम होते हुए, मतलब ये स्थिति है। आपको जवाब नहीं देना है किसी पत्रकार का, मुस्करा के उसका जवाब दे सकते हैं, टाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मतलब मैंने योगी जी को वो कड़वे सवालों का जवाब देते हुए देखा है ना, कि मुस्लिमों को आप मार देंगे क्या, ये कर देंगे क्या, वो कर देंगे, ऐसे सवालों के वो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। अरे आप बायकॉट, इनसे यार सवाल नहीं झेले जाते, ये पार्टियां बनाए, मतलब ये एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे कुछ दिनों बाद। लोकतंत्र की बात कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी, हाँ डेमोक्रेसी ये है कि आप पत्रकारों का ओपनली, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है भाई साहब, और खुलेआम जो गठबंधन बोल रहा है कि हम अगला इलेक्शन जीतेंगे और सत्ता में आएंगे, वो गठबंधन सत्ता में आने से पहले बोलता है कि अगर तुम हमारे अनुसार नहीं बोलोगे तो हम तुमको बायकॉट कर देंगे। ये लोकतंत्र है इनका, ये इनकी डेमोक्रेसी है, ये इनकी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रति इनका सम्मान है भाई साहब, सम्मान नहीं नफरत है। सोच करके देखो, ये तो पत्रकार है, आम की आम जनता जो विपक्ष में है, मतलब ये पत्रकारों ने इस गठबंधन के नेताओं के हिसाब से सवाल नहीं पूछे तो बायकॉट कर दिया। जनता जब इनकी पार्टी को हरा देती है तो इनकी पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला जी बोलते हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले तो राक्षस हैं। बिल्कुल, राजस्थान में बोला था। अब इनकी ये मानसिकता है, अगर पत्रकार इनके हिसाब से नहीं चलेगा तो पत्रकार चढ़ चुंबक और दलाल है, ये उसका बायकॉट कर देंगे। जो जनता इनके हिसाब से नहीं चलेगी वो जनता इनके लिए राक्षस है। उसके बाद ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का झुंझुना लटका करके हिला करके चाहते हैं कि 24वें साल मोदी को हरा करके इनको प्रधानमंत्री। और ये सब अभी तो कर रहे हैं, और देखना मोदी जी आएंगे, मोदी जी आके चिल्लाएंगे मंच पे जिस दिन, कहेंगे ना भाइयों बहनों के आपको आप राक्षस नजर आते हैं, उस दिन इनका क्या हाल होगा। अब मोदी जी आएंगे और फिर कहेंगे ईवीएम खराब होगी आई। अब देखना ये जो इकट्ठी होते जा रही है ना, जैसे जी समिट पे इन्होंने लालू यादव से लेके तमाम लोगों ने बोल दिया G20 पे कि ये तो पैसे की बर्बादी थी, पैसे की बर्बादी। तुम जो सैफई में नाच नचाते हो वो क्या है, वो पैसे की बर्बादी नहीं है। तुम जो विदेशी यात्राएं करते हो, है ना, ये विदेश की ट्रिप पे जो राहुल गांधी जाते हैं, है ना, वहां बड़े बड़े मतलब एडल्ट स्टार के साथ फोटो आ जाती हैं, है ना, थाईलैंड की ट्रिप जो होती है वो पैसे की, वो ये गरीब जनता के लिए वहां पे थाईलैंड में पानी ढूंढने जाते हैं। आपने जो बोला ना कि G20 को बर्बादी, इन्होंने बोला कि G20 में 4100 करोड़ रुपया खर्च हो गया, पैसे की बर्बादी है। अब ये उम्मीद कर रहे थे, जबकि उतना हुआ भी नहीं है, सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिया। अब ये उम्मीद कर रहे थे कि पत्रकार लोग चीख चीख करके ये जो झूठा दावा है कि इसको सही कर दें, 4100 करोड़ वाला पत्रकार लोग इनकी हमें यहाँ मिलाए, मतलब ये चाह रहे थे कि पत्रकार इनके चरण चुंबक बने, इनके मुखपत्र बने। जो बात ये 26 दलों का INDIA बोल रहा है, पत्रकार इनके हिसाब से बोला कि G20 में 4100 करोड़ खर्चा हुआ, इन पत्रकारों ने नहीं बोला तो इनका बायकॉट कर दिया। क्यों बोले? आप बोल रहे हो कि 900 करोड़ का बजट था, 4100 करोड़ खर्च हुआ, भारत मंडपम बनवाया, उखाड़ के ले जाएगा क्या नरेंद्र मोदी इसको अपने घर पे? भाई आगे भी काम आएगा वो। तुम्हारी भी सरकार अगर कल को केंद्र में बनती है तुम भी यूज करो, मंडपम में तुम बैठक करोगे, सड़कें बनवाई उखाड़ के ले जाएंगे क्या जी? भाई तो दुनिया देश भर के 60 से ज्यादा शहरों में बैठकें हुई, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, उनमें कितनों को रोजगार मिला, मजदूर से लेके, ये तो स्थायी विकास है। स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे जो बोल सकते हो कि देश की बर्बादी है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम कराए थे,
जब इनकी सत्ता थी उस समय क्या भ्रष्टाचार किया था कॉमनवेल्थ गेम में, अगर बनाने लग गए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आज सऊदी अरब वाले भी जय श्री राम बोल रहे हैं, है ना, यहाँ के तो कोई चीज नहीं। अरे चुनाव का समय है, आपको नरेंद्र मोदी जी आपके विरोधी है, मोदी जी आएंगे आप छक्के पे छक्का मारेंगे इन्हें, कर लें दो, आप मोदी जी के विरोधी हो, आप उनको सत्ता से हटाना चाहते हो। और मोदी जी आके जिस दिन बोलेंगे ना भाइयों बहनों मैं राम मंदिर बनवा रहा हूँ और ये सनातन को मिटाना चाहते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ मोदी जी की एक सवाल हो अब। और मैं क्या बोलूं, आप किस ट्रैक पर बोल रहे हो, नरेंद्र मोदी जी का आपसे विरोध है, आप मोदी जी की आलोचना करिए, आप उनकी नीतियों पर सवाल उठाइए, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन करिए, ये विपक्ष का अधिकार है और ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप मोदी को हराने में कामयाब नहीं हुए तो आप बोलने लगे मैं सनातन को ही मिटा दूंगा, आप नरेंद्र मोदी को हराने में कामयाब नहीं हुए तो आप कहने लगे मैं देश के राष्ट्रवादी पत्रकारों को बैन कर दूंगा। सोचो सोचो अभी कैसी बात कर रहे सोचो अभी तो भारत में सनातन 80% है, तब ये बकवास कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए तो मतलब ये पक्ष में जब हो जाएंगे, सत्ता में जब हो जाएंगे तो किस तरीके की योजनाएं और क्या क्या नहीं करेंगे मिटाने के लिए। ये प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और क्या, इन जो 14 खुलेआम शायद भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार है जब खुलेआम बायकॉट किया गया, हालांकि इससे भी बड़ा काम इंदिरा गांधी जी कर चुकी है, लेकिन जब आप सुबह बोलते हो कि हम लोकतंत्र का झंडा हमारे हाथ में है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और अगले ही पल आप बोलते हो इन पत्रकारों को हम इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इन्होंने इन्होंने जनता को भी गाली दोगे, इन जनता को हम इसलिए बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि इस जनता ने हमको वोट नहीं दिया है जी, अबे जी जनता को बायकॉट, कल का इनकी सरकार नियम लेके आ सकती है कि साहब ये पता लगाओ इस बूथ पर 500 वोट थे, इस 500 में से 219 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, बाकी वोट फलानी पार्टी को मिले, लेकिन INDIA वालों को कम मिले, तो जिन्होंने लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई, सरकार या दूसरी पार्टी की बन गई, तो अब ये चुनाव आयोग से बोलेंगे डेटा निकाल के दो किन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया बंगाल योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलेगा, बंगाल बना दो है, केरला बना दो, है ना, वही करेंगे, जो हमारा वोटर नहीं है उसको योजना नहीं है, जो हमारा पत्रकार नहीं है उसका बायकॉट है साहब, उसके गली मोहल्ले में नल नहीं लगेगा, रोड नहीं बनेगा, वो स्थिति ये करने वाले हैं। अधिकार नहीं होगा। आपको याद होगा जब कोविड का टाइम चल रहा था सेकंड वेव में, तो इन्होंने दो दो साल पुरानी तस्वीरें गंगा के किनारे की डाली और ये साबित करने की कोशिश की कि ये सारे लोग कोरोना में मरे, पैसे दे दे के वो न्यूयॉर्क टाइम्स से छपवाया, टाइम मैगजीन से छपवाया, हम लोगों ने कितनी मेहनत करके उसको ढूंढ के ये इनका पूरा एजेंडा वस्ट किया कि भैया ये तस्वीरें जो तुम दिखा रहे हो गंगा किनारे की ये कई साल पुरानी है, और ये चाहते हैं कि इनके झूठ में हम सहयोगी बन जाएं, बस इनके झूठ में सही, और इनके झूठ में अगर हम यहाँ नहीं मिलाएंगे तो हम भैया इनके हिसाब से बायकॉट वाले पत्रकार हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ मिला देंगे क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी है, बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत है ना, है सुप्रिया श्रीनेत टाइप, 5000 वोट मिलते नहीं कि आ जाओ चलो तुम पार्टी में आ जाओ तुरंत टिकट मिलेगा तुमको, सच्चाई तो यही है कि इस तरीके की हरकतें, मतलब देश की आजादी से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी विपक्ष ने पत्रकारों का बायकॉट किया हो, ये एक नया ही अब एजेंडा लेके चल रहे हैं, है ना, जो इनको फायदा तो बिल्कुल नहीं देने वाला, जितने भी इनके सलाहकार है ना, जितने भी इनके चाटुकार हैं, जो भी गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो भाई साहब कहीं ना कहीं इन्हीं का नुकसान कर रहे हैं, निश्चित रूप से हो रहा है ना, जनता ये सब देख रही है, और जिस दिन मोदी जी सभाएं शुरू करेंगे ना राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में, और जब कहेंगे सनातन को मिटाने वाले हैं, है? तो उस दिन क्या होगा, उस दिन ये रोएंगे, पता नहीं, मुझे तो कभी कभी ये लगता है विपक्ष में ये इकट्ठे तो हो गए लेकिन खेल अब भी मोदी जी की ही पिच पर आए हैं, वही देखिए आप मोदी जी की पिच पर आके खेलोगे तो आप हारोगे भाई, अभी मानकर चलिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, शेयर जरूर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप लोग अभय प्रताप को फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं मेंशन कर रहा हूँ, अभय प्रताप को फॉलो कर लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।